माँ अम्बा जी का मंदिर गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित है। माना जाता है, अगर इतिहासकारों की माने तो ये मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। और इस मंदिर का जो भव्य रूप है और इस मंदिर का जो शिखर है वो 103 फीट ऊंचा है, और यहाँ पर 300 से ज़्यादा स्वर्ण कलश सुसज्जित हैं। तो आप मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर गंबरमा पहाड़ है, और इस पहाड़ पर भी देवी का प्राचीन जो मंदिर है वो स्थापित है, शक्ति स्वरूपा माँ अम्बा जी का मंदिर, जो अत्यंत प्राचीन शक्ति पीठे हैं उनमें से शक्ति पीठ इसे माना गया है। और हर महीने पूर्णिमा की अगर बात, अष्टमी तिथि की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर माँ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के दौरान खास तौर पर इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर माँ अम्बा जी के दर्शन करते हुए, यहाँ पर पूजन अर्चन करते हुए, तमाम विधि विधान के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अर्चना की है। और क्योंकि अम्बा जी मंदिर, अम्बा जी जो स्थान है उसके लिए भी बहुत अहम है, और 9 दिनों तक चलने वाला जो नवरात्र था उसमें यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में माँ के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर भवाई और गरबा जैसे तमाम जो कार्यक्रम हैं, नृत्य हैं जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं गुजरात में, उनका प्रबंध यहाँ किया जाता है। दर्शनीय स्थल भी आसपास बहुत हैं। तो प्रधानमंत्री का जो गुजरात दौरा है उसकी शुरुआत माँ अम्बाजी के मंदिर में दर्शन पूजन अर्चना के साथ हुई है, और माँ शक्ति पीठ के रूप में यहाँ स्थापित हैं। और किस तरह की ऊर्जा लेकर प्रधानमंत्री तमाम जब अपने किसी भी राज्य में कार्य शुरू करते हैं तो मंदिर से ऊर्जा लेकर, एक सकारात्मक शक्ति लेकर वो यहाँ से निकलते हैं। और जिस इच्छा शक्ति का हम जिक्र कर रहे हैं, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसके लिए देश में आत्मनिर्भरता के साथ लगातार कई वेलफेयर स्टेट के तौर पर काम किए जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा, माँ को चुनरी अर्पण करते हुए प्रधानमंत्री, और अम्बाजी मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चन किया। और इस मंदिर में जिस तरह से माँ की आराधना की जा रही है और माँ के अलौकिक स्वरूप के दर्शन प्रधानमंत्री ने किए, और यहाँ से शुरुआत की है अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे की। तो गुजरात राजस्थान की सीमा पर लगा हुआ ये मंदिर है, इसकी अपनी अलौकिक महत्वता भी है। हमारे साथ सुमन लगातार बनी हुई है। सुमन, ये दृश्य अपने आप में आध्यात्मिक महत्व रखते हैं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर अम्बाजी के दर्शन कर रहे हैं। पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने यहाँ दर्शन किए थे, और जब हम सिद्ध शक्ति पीठों का जिक्र करते हैं तो उसमें अम्बाजी मंदिर का एक अलग ही स्थान है, अलग ही महत्वता है। दर्शकों को एक बार बता दें, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं गुजरात के, और ये जो भव्य मंदिर है इसकी सुंदरता के साथ साथ इसकी अलौकिक जो शक्ति पीठ के रूप में शक्ति है जो स्थापित है वो एक अलग ही ऊर्जा प्रदान करती है। और साफ तौर पर इस मंदिर में पूर्णिमा के साथ साथ तमाम जो अलग हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से त्योहार है, अलग ही छटा देखने को मिलती है, रमणीय छटा। और ये विहंगम दृश्य जो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री ने, और अपार शक्ति के साथ साथ, अपार श्रद्धा के साथ साथ जो शक्ति के उपासक माँ के आराध्य हैं उनके लिए इस मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे साथ अब सुमन जुड़ी हुई है। सुमन, तो गुजरात का जो अम्बा जी का ये मंदिर है, हम भी इसके दर्शन कर पा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पहुँचकर पूजा अर्चना की। पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने कुछ इसी तरीके से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की थी, और साफ तौर पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक षड्यंत्र स्थापित है जिससे हम इसे एक शक्ति महापीठ के रूप में देखते हैं इस मंदिर को। जी बिल्कुल, आकर पूजा अर्चना की है। पंडित जी जो है वो उन्हें हिंदुस्तान के साथ साथ पूजा अर्चना जो है वो उनसे करवा रहे हैं। बिल्कुल आध्यात्मिक दृश्य जो है वो हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल कुछ समय से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कई बार जो किसी राज्यों के दौरे पर होते हैं या अलग अलग जो धर्म स्थल है वहाँ पर भी जरूर जाते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। अभी कुछ ही समय पहले हम अलग अलग जगहों की पूजा अर्चना और विजिट जो है वो हमने देखी। तो अब प्रधानमंत्री की जो एक आस्था है वो
इन सभी संस्थाओं का ही एक स्वरूप है कि लोग जो है वो उनसे भी देख पाते हैं, सीख पाते हैं कि किस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री भी जो धर्म स्थल है वहाँ पर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और न केवल पूजा अर्चना बल्कि वो जो धर्म स्थल है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए किस तरीके से काम किया जाए, इन धर्म स्थलों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। देश दुनिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए प्रवासी और इन धर्म स्थलों को देखे, इनके दर्शन करें, उसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ही एक कोशिश रहती है। और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि पूजा अर्चना हो रही है और उसके बाद जब यहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे तो पूजा अर्चना के साथ माँ अम्बा के आशीर्वाद से आज अपने गुजरात के जो दौरे हैं उसकी शुरुआत कर रहे हैं। माँ अम्बा की अपने आप में बिल्कुल एक तरीके से आस्था है, जिस तरीके से आपने अम्बाजी मंदिर का इतिहास बताया उस तरीके से ही पूरे विश्व में माँ अम्बा की बहुत आस्था है। और जब भादवीपुरम का मेला होता है या नवरात्रि का जब उत्सव होते हैं तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। और पिछले कुछ समय में देखा जाए तो काफी बदलाव भी यहाँ पर हुआ है। अभी पिछले ही समय जो पूनम का मेला गया वहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त आए और उन्होंने इस मेले का आनंद उठाया, दर्शन किए। तो क्योंकि लोगों के लिए यहाँ पर उस तरीके की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है और प्रधानमंत्री की जो आस्था है वो लोगों के लिए भी एक उदाहरण पेश करती है, इससे लोग काफी प्रेरणा लेते हैं। आप प्रधानमंत्री को जिस तरह से यहाँ पर माँ की चुनरी दी गई है, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आरती भी की, विधि विधान से पूजा अर्चना की, तमाम तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं अम्बाजी मंदिर की। लेकिन हम आपसे इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे सुमन, कि किस तरह से ये मंदिर बेहद खास है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर किसी माँ की मूर्ति नहीं बल्कि श्रीयंत्र को स्थापित किया गया है, जिसमें इस तरह से सजाया गया है कि देखने वालों की अगर बात की जाए तो उसमें माँ का विग्रह रूप नजर आता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से जब आप माँ अम्बा की इस यंत्र के जो उनकी जो तस्वीर है, जो माँ अम्बा का यंत्र है, जब आप उसको देखते हैं तो उसकी रोशनी जो है उससे आपकी आंखों में भी एक चमक आ जाती है और अपने आप में ये शक्तिपीठ जो है वो बहुत बड़ा इतिहास रखता है, बहुत बड़ी आस्था रखता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कई लोग जो लोग यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं, कई रोग जो होते हैं वो उससे भी मुक्त हो जाते हैं। लोगों की सबकी अपनी अपनी अलग अलग जो आस्था है वो इस मंदिर से जुड़ी हुई है, उन्हीं आस्थाओं के साथ लोग हर साल बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। सुविधाएं जो जिस तरीके से लोगों के लिए की गई है उसकी वजह से लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो जिस तरीके से आपने इससे पहले मेंशन भी किया कि गब्बर जो पर्वत है वो भी यहाँ पर है, उसके ऊपर जो है वहाँ पे कहा जाता है कि जो शक्तिपीठ मेन है वो वहीं पर है, वहाँ पर लोग जाकर भी दर्शन करते हैं। रोपवे की सुविधा भी वहाँ पर लोगों के लिए की गई है, तो जिससे लोगों के लिए जाना वहाँ बहुत आसान हो गया है। प्रधानमंत्री पिछले साल भी यहाँ पर आए थे, आज ही की तारीख थी और पिछले ठीक एक साल हो चुका है जब प्रधानमंत्री अम्बाजी मंदिर में आए थे, उन्होंने पूजा अर्चना की, आरती की थी और आज जब दोबारा इस जगह पर आए तो बड़ी संख्या में लोग उसे देख रहे हैं, उसका अभिवादन कर रहे हैं और स्वागत लोगों की आंखों में खुशी है उसको देखने का। आध्यात्मिक महत्व है, साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, उसके बाद माता की चुनरी प्रधानमंत्री को दी गई है और खास तौर